हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं डिफरेंशियल कैलकुलस 2 का लेक्चर नंबर 13। और लेक्चर नंबर 12 में हमने जेकोबियन के 2 फंक्शन या 2 वेरिएबल के क्वेश्चन हमने लगाए थे, ठीक है। अब जो लेक्चर नंबर 13 में हम डिस्कस करने वाले हैं जेकोबियन, वो हम 3 फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे जिसमें 3 फंक्शन गिवन हो, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है, और उसका हमें जेकोबियन निकालना है, ठीक है। जेकोबियन के एक लेक्चर और हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि जेकोबियन में एक रिलेशन वाला क्वेश्चन जो होता है वो जरूर पूछता है, तो उसका हम सेपरेटली लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, ठीक है। कह रहे यू वी डब्ल्यू एंड आर द फंक्शन ऑफ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई जेड, देन द डिटर्मिनेंट्स। यदि यू वी डब्ल्यू फंक्शन है 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई जेड के, तो उसका डिटर्मिनेंट्स ये बनेगा। क्या बनेगा? डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल जेड, डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई, डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, ये डिटर्मिनेंट्स आप फॉर्म करेंगे, ठीक है। और जिस तरीके से हमने 2 वेरिएबल फंक्शन को डील किए, बिल्कुल वैसे ही इनका प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, एकदम सिमिलर प्रॉपर्टी होता है, आपको कुछ भी अलग नहीं करना। लेकिन मैंने सेपरेट किया, ये जो है आप लोग के लिए हमने सेपरेट किया है कि 2 वेरिएबल का जो है प्रॉपर्टी वो अलग करेंगे, और 3 वेरिएबल का जो प्रॉपर्टी है उसको हम अलग करेंगे, ताकि आप लोग का जो कुछ मिसकंसेप्ट हो, ठीक है, जो ना अगर समझ में आता हो तो उस चीज को बहुत आसानी से डील कर सको। तो क्या है कि यदि यू वी डब्ल्यू ये 3 फंक्शन है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई जेड के, तो डिटर्मिनेंट्स ये फॉर्म होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं जरा प्रॉपर्टी में, ठीक है, समझिएगा। यदि यू वी डब्ल्यू फंक्शन है आर एस टी के, जहां पे आर एस टी जो है वो फंक्शन है एक्स वाई जेड के, समझना बात को, इसी को चेन रूल कहते हैं, समझो। कह रहा इफ यू कॉमा वी एंड डब्ल्यू आर फंक्शन ऑफ आर एस टी, यू वी डब्ल्यू फंक्शन किसके हैं आर एस टी के, जहां आर एस टी किसके फंक्शन है एक्स वाई जेड के, किसके फंक्शन है आर एस टी एक्स वाई जेड के, तो उस केस में जो आपका जेकोबियन बनेगा वो क्या बनेगा, डेल यू, डेल यू कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू बाई डेल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू डेल यू कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू बाई डेल आर कॉमा एस कॉमा टी इंटू डेल आर कॉमा एस कॉमा टी बाई डेल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है, ये चेन रूल है, ठीक है। अब इन दोनों में से किन्हीं एक का आप वैल्यू को निकाल लो, और निकालने के बाद में इसकी प्लेस पे रखो तो ये पता चल जाएगा। अगर इसके वैल्यू आप निकाल लेते हो और इसकी प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो आपको यहां से ये वैल्यू पता चल जाएगा। तो जहां पे हम चेन रूल निकालते थे ना, जैसे हमने क्लास 12th में भी हमने पढ़ा था चेन रूल को कैसे फाइंड आउट करना है, उसके बाद में हमने चेन रूल पार्शियल में भी आपको करवाया है, ठीक है, और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में भी हमने आपको करवाया था, ठीक। तो 3 वेरिएबल का उसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे जिस तरीके से आपने 2 वेरिएबल का क्वेश्चन को लगाए थे, ठीक है। आगे चलते हैं। इफ यू कॉमा वी एंड डब्ल्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, देन यदि यू वी और डब्ल्यू, ठीक है, ये फंक्शन है एक्स वाई जेड के, तब जो आपका जैकोबियन बनेगा इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर होगा। फिर से रिपीट करते हैं, क्या कह रहा है, यदि यू वी डब्ल्यू, ठीक है, ये फंक्शन है एक्स वाई जेड के, ठीक है, तब जो आपका डिटरमिनेंट बनेगा, जेकोबियन बनेगा, वो क्या बनेगा, देखिएगा जरा, डेल यू कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू बाई डेल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इंटू डेल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बाई डेल यू कॉमा वी
कॉमा डब्ल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू वन, कितने होंगे हमेशा वन के बराबर होंगे। ये प्रॉपर्टी बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से हमने काफी क्वेश्चन टू वेरिएबल के डील किए हैं, ठीक है। अभी हम कराएंगे, परेशान होने की बात नहीं है। तो सबसे पहले जो है ना, आपको क्या करना है कि अपना फाउंडेशन पे काम करना है। मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट करता हूं कि यार जो है अपना फाउंडेशन के ऊपर में काम करें। आपका बेस जितना अच्छा होगा, ठीक है, जितना अच्छा आपका बेस होगा उतनी आसानी से आप प्रॉब्लम को डील करके ले जाओगे, ठीक है। सबसे पहले यहां तक कॉपी किया जाए, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नाम से करें कैलकुलेट द जैकोबियन, ठीक है। आपके पास में फंक्शन की बहन है u इक्वल टू x प्लस टू वाई प्लस जेड और v इक्वल टू x प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड और w इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फाइव जेड। आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है डेल u कॉमा v कॉमा w बाय डेल x कॉमा y कॉमा z इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू डेल u बाय डेल x, डेल u बाय डेल y, डेल u बाय डेल z, उसी प्रकार से डेल v बाय डेल x, डेल v बाय डेल y, डेल v बाय डेल z, उसी प्रकार से डेल w बाय डेल x, डेल w बाय डेल y, डेल w बाय डेल z फाइंड आउट करना है, ठीक। तो क्या करना है, अपने को डिफरेंशिएट करना है u v w को x y z के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, x y z के। तो मैं पहले करता हूं डिफरेंशिएशन u का, ठीक है। डेल u बाय डेल x इज इक्वल टू, देखो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x के अलावा जितने रेस्ट हैं वो सारे जीरो हो जाएंगे। रिपीट कर रहा हूं, अगर x के रिस्पेक्ट में हम u फंक्शन को कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे जो फंक्शन है उनके अलावा वो जीरो हो जाएंगे, यानी x का डिफरेंशिएशन वन होगा, तो y का जीरो z का जीरो। आगे भी चलते हैं, डेल u बाय डेल y, ठीक है, y का करेंगे तो x जीरो z जीरो यानी कि टू मिल जाएगा। डेल u बाय डेल z, तो z का करेंगे तो y जीरो हो जाएगा, x वाले टर्म जीरो हो जाएंगे यानी कि वन मिलेगा, ठीक है। सिमिलर करेंगे डेल v बाय डेल x में, तो v में देखो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वन, डेल u डेल v, डेल v u तो कंप्लीट हो गया ना, डेल v बाय डेल y, y का करेंगे तो टू मिल जाएगा यहां से, ठीक है। और z का जब करने जाओगे तो आपको यहां से मिल जाएगा थ्री, डेल v बाय डेल z थ्री। सिमिलर करेंगे हम w के लिए, तो डेल w बाय डेल x, w देखो यहां w x का x x x x क्या है, टू है, x का डिफरेंशिएशन वन होगा, वन को मल्टीप्लाई टू से करेंगे टू आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से डेल w बाय डेल y कितना आ जाएगा, थ्री y आ जाएगा। उसी प्रकार से डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड कितना आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, आगे चलते। अब ये सारी वैल्यूज यहां पे हम रखते हैं, तो रखने जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए जरा, वन वन वन, गलत रख दी क्या, वन टू वन, ठीक, वन टू वन, वन टू थ्री, वन टू थ्री, टू थ्री फाइव, टू थ्री फाइव। देखो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप इसमें रो और कॉलम ऑपरेशन भी अप्लाई करके कर सकते हो, लेकिन इतना बड़ा नंबर नहीं है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वन देखो, वन को क्या करना, जब वन यानी कि फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट कॉलम आपको ढक देना है, ठीक है। जैसे इस एलिमेंट को, इस एलिमेंट जिसमें प्रेजेंट है वो कॉलम वाले एलिमेंट को ढकोगे और रो वाले ढकोगे, ये पूरा डिलीट, ये पूरा डिलीट, क्या बचा, दो तीन तीन पांच, दो तीन तीन पांच, ठीक है। जिस तरह डिटरमिनेंट करते हो माइनस होता है, माइनस टू, ठीक है, पूरा ये डिलीट होगा, ये डिलीट होगा, यानी कि ये पूरा डिलीट, ये डिलीट, वन थ्री टू फाइव, वन थ्री टू फाइव, हड़बड़ा के नहीं करेंगे, प्लस वन, ठीक है, वन थर्ड कॉलम में है, ठीक है, तो थर्ड कॉलम का पूरा एलिमेंट डिलीट हो जाएगा और फर्स्ट रो का डिलीट हो जाएगा, तो फर्स्ट ये डिलीट तो बचा वन टू टू थ्री, वन टू टू थ्री, ठीक है, ये बचा हमारे पास।
कॉस्ट, कोई नहीं। अब इसका प्रोडक्ट करते हैं, तो वन को ऐसे ही मैंने रहने दिया, ठीक है, फाइव टू जर टेन, थ्री थ्री जर नाइन, माइनस होता है बीच में, माइनस टू, ठीक है। देखो फाइव वन जा फाइव और टू थ्री जा सिक्स, माइनस के साथ में प्लस वन, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थ्री और टू टू जा फोर, माइनस का, ठीक है। चलो सबट्रैक्ट करो भाई इसको, तो वन इंटू वन, ठीक है, दस में नौ गया एक बचा, माइनस टू सबट्रैक्ट करोगे तो माइनस वन बचेगा, प्लस वन सबट्रैक्ट करोगे तो माइनस वन बचेगा, मल्टीप्लाई करते हैं, वन इंटू वन वन, माइनस माइनस प्लस टू, ठीक है। देखो फिर से माइनस माइनस प्लस, टू इंटू वन टू, माइनस प्लस माइनस, वन इंटू वन वन, ये कैंसल आउट होगा, फाइनली कितना आया, टू आया, ठीक। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, पहले इसको कॉपी कर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इफ यू इक्वल टू एक्स वाई जेड कॉमा वी इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स और डब्ल्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देन कंप्यूट द जैकोबियन डेल यू कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू बाय डेल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्यूशन करोगे, तो सबसे पहले आपके पास में जो गिवन है उसे कॉपी किया जाए, तो u इक्वल टू आपके पास गिवन है x y z और v इक्वल टू आपके पास गिवन है x y प्लस y z प्लस z x और w आपके पास में गिवन है x प्लस y प्लस z। अब करना क्या है, करना यह है कि एक बार आपको जो है u के रिस्पेक्ट में तीनों को डिफरेंशिएशन करना है, फिर v के रिस्पेक्ट में तीनों को डिफरेंशिएशन करना है, फिर आपको W के रिस्पेक्ट में तीनों को डिफरेंशिएशन करना है। तीनों से मेरा कहने का मतलब क्या है, तीनों मतलब X, Y, Z, ठीक है। चलो फॉर्म करते हैं जैकोबियन अनडिटरमिनेड, डेल U, V, W by डेल X, Y, Z is equal, ठीक है। पहले मैं U को ले रहा हूं, तो डेल U by डेल X, डेल U by डेल Y, डेल U by डेल Z, ठीक है, del v by del x, del v by del y, del v by del z, del w by del x, del w by del y, del w by del z, ठीक है। इस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है, करें आप सब। तो चलिए, तीनों फंक्शन को देख के डरना नहीं है यार, सिंपल सी बात है, तीन इस फंक्शन को देख के बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैं u को डिफरेंशिएशन करूंगा डेल u बाय डेल x, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। तो मान लो कि मैं फर्स्ट फंक्शन को अगर छोड़ दिया, इन दोनों सेकंड को मैंने फर्स्ट मारा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, x को छोड़ दिया, डेल बाय डेल x, ठीक है, तो y और z आ गया, ठीक है, ऐसे रखो, प्लस y z को छोड़ दो जरा सा। मैं अभी देखो यहां पे अगेन मैं दोनों को प्रोडक्ट अप्लाई कर सकता था, लेकिन इसलिए नहीं कर रहा हूं, इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ये पूरी फंक्शन जीरो होने वाली है। अगर आपको अप्लाई करना है प्रोडक्ट तो करके दिखाता हूं, देखो नहीं तो कहोगे यार करवाए नहीं, बातें कर रहे करते रह रहे, ठीक है। अब देखो वाई को छोड़ेंगे डेल बाई डेल जेड, सॉरी डेल बाई डेल एक्स, ठीक है, लेकिन होगा नहीं यार छोड़ दो, काले टाइम खराब करोगे, ठीक। तो वाई जेड प्लस वाई जेड को छोड़ दो, मैं इन दोनों को एक ही माना हूं, ये मत सोच लेना कि ये गलत कर रहे हैं, मैं एक ही फंक्शन माना हूं दोनों को, ठीक है, प्लस डेल वाई, ठीक है, डेल एक्स, ठीक है। देखो ये तो पूरा टर्म जीरो मिलने वाला है, ये पूरा टर्म जीरो मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसके बाद, ये पूरा टर्म जीरो मिलेगा, एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा है नहीं जीरो, प्लस वाई जेड को छोड़ दो, ठीक है, और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बेटा ये 1 हो जाएगा और फाइनली आपको मिल जाएगा यहां से yz, यानी कि del u by del x क्या आया yz। अब करोगे कैसे जरा सा सोचो, गौर करें इस फंक्शन को, जब हमने x के रिस्पेक्ट में किया तो yz आया, जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो xz आएगा और जब आप z के रिस्पेक्ट में करोगे तो xy आएगा, यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में करोगे वो फंक्शन को आपको डिलीट करना है, हटाना है, यानी कि यूनिटी करना है, साफ बताया जाए तो यूनिटी कर देना है,
ठीक है, आगे में चलते हैं। अब निकालते हैं हम डेल यू बाई डेल वाई, तो वाई में क्या जाएगा, वाई यहां से हटा दो एक्स जेड, डेल यू बाई डेल जेड क्या करोगे, जेड को हटा दो यहां से तो एक्स वाई मिलेगा, डायरेक्ट अप कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, सिमिलर v के लिए करेंगे डेल v बाई डेल x। अब जहां जहां x है उन्हीं के साथ में हमें कुछ टर्म मिल सकते हैं, तो एक्स वाई यहां पे है, देखो इसका हम अगर डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो x को छोड़ देंगे, ठीक है, और y यानी कि यहां पे v है ना, ठीक है, y को छोड़ेंगे, सॉरी y का करेंगे, y को छोड़ दो, x का डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां से x, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक, और इस y को कॉपी कर लो, यहां से क्या मिलेगा वन, फिर जिसके पास x है देखो यहां यहां z मिलेगा, यानी कि डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या, y प्लस z डेल v बाय डेल y, देखो तड़प नहीं रहा, आप कर सकते हो, लंबा बहुत प्रोसेस जाएगा, मैं समझा रहा हूं, ठीक है। अब y के रिस्पेक्ट में y जिसके जिसके पास है y को उड़ा दो, y को उड़ा दो, क्या क्या बचा x और x यानी सॉरी x प्लस z बचा यहां पे, और ये तो जीरो हो जाए। पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा हम लोग जो है वो कांस्टेंट मान के बिहेव करते हैं, ठीक है। आगे में डेल बी बाई डेल जेड निकालनी जाएगी, जेड जिसके जिसके साथ है उसी के साथ कुछ मिल सकता है, ठीक है, वी वाला टर्म कर रहे हैं, तो देखो जेड है एक तो यहां और एक तो यहां मिलेगा वाई, यहां मिलेगा जेड, अगर डिफरेंशिएशन करोगे वाई प्लस, देखो जेड यहां एक दे दो, वाई को छोड़ दिया, डेल बाय डेल जेड, जेड का डिफरेंशिएशन किया, जेड को छोड़ दिया, डेल बाय डेल वाई, वाई सॉरी जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, देखो ये पूरा जीरो, आगे में करके और देखो, ऐसा ना लगे ना कि डायरेक्ट कर रहे हैं, जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जेड को छोड़ दिया डेल बाय डेल जेड एक्स का, एक्स को छोड़ दिया डेल बाय डेल जेड, ठीक है, जेड के रिस्पेक्ट में, तो देखो यहाँ x के रिस्पेक्ट में ये जीरो, ये प्लस, यहाँ से क्या मिल जाएगा x, z का वन, तो यहाँ से मिल जाएगा x, ठीक है, और यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या मिलेगा, यहाँ से देखो जरा सा y मिलेगा, ये तो पूरा हो गया, यहाँ से जीरो, ठीक है, यही चीज मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। सिंगल करेंगे हम इसके लिए w के लिए, अच्छा इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो हल्के में मत लेके जाना इस क्वेश्चन, डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, देखो एक्स का करोगे तो वन, वाई जीरो जेड जीरो, फिर डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई, वाई का वन इसके एक्सेप्ट जीरो, ठीक है, और फाइनली एक और निकाल लेते हैं, डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड वन, ठीक, क्या मानेगा डिटर्मिनेंट्स लिखो जरा सा, तो yz, ठीक है, आगे में इधर है xz, आगे में चले xy, आगे में चले yz, आगे में चले xz, प्लस छूटा हुआ, अच्छा रुको 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 बेटे, y प्लस z है, हम गलत लिख रहे हैं, गलत पढ़ भी रहे हैं, ठीक, xz, y प्लस z, y प्लस x, z में वन वन वन, ठीक है, ये आया है। अब यहां से सोचो क्या करोगे, क्या करोगे, हम ऐसा करते हैं कि यहां कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर, ठीक है, तो किसमें कॉलम लगा देते हैं, सेकंड और थर्ड में लगा देते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहां से C2 में ऑपरेशन कर रहे हैं, तो C2 में अगर हम C1 को सब्ट्रैक्ट कर दें और C3 में भी सिमिलर हम C1 को घटा दें तो क्या बनेगा, ध्यान रखें, ठीक है, बनेगा क्या वो ध्यान रखना चाहिए, पहले तो क्या करना है, फर्स्ट कॉलम को कॉपी करो, वाई जेड, वाई प्लस जेड प्लस वन, इसको कॉपी करेंगे क्योंकि इसमें कोई भी ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, यहां हम रफ करेंगे इसलिए एरिया को छोड़ा है, सी टू में है ना, कॉलम ये है, ये है सी टू और ये है सी थ्री और ये है भैया सी वन, ठीक है, तो क्या कह रहा है, सी टू में हम घटा देंगे सी वन को, जरा रखो, तो एक्स जेड C2 है और C1 है माइनस वाई जेड, क्या यहां से हम कॉमन ले सकते हैं जेड,
तो जेड क्या बनेगा, एक्स माइनस वाई। ठीक है, जेड एक्स माइनस वाई। ठीक, सिमिलर करो जरा सा सी थ्री में। अच्छा ये भी तो कॉलम बचा हुआ है ना, इसको सॉल्व करना। एक्स प्लस जेड माइनस माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो x प्लस जेड माइनस वाई माइनस जेड, ये कैंसल आउट होगा, फाइनली मिला x माइनस वाई। ठीक, और वन में वन जाएगा, ये तो भैया हो गया जीरो। ठीक है, सी थ्री के लिए सिमिलर करेंगे जिस तरीके से हमने सी टू में ऑपरेशन अप्लाई किया। ठीक है, तो x y माइनस वाई जेड, यहां से y को कॉमन ले लेते हैं तो मिल जाएगा क्या हमारे पास में x माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, यहां से y को कॉमन ले लेते। ठीक, आगे भी चलते हैं। y प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड, मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस के साथ में, तो y प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, कुछ कट रहा है क्या, कट रहा है, यहां से काट दो तो यहां से मिलेगा x माइनस जेड। ठीक, और आगे में चलते हैं लास्ट वाले में, ये तो जीरो हो जाएगा। ठीक, देखो ये रिजल्ट मिल गया। अब सोचो यार, करोगे तो क्या करोगे, कुछ है आपके पास में जो कुछ आप कॉमन ले सकते हो? देखो कुछ कर सकते हो, बताओ। अगर हम ऐसा करें कि फर्स्ट में ये थर्ड में, ठीक है, थर्ड से अगर हम थर्ड कॉलम से x माइनस जेड को कॉमन ले लें और सेकेंड वाले से x माइनस वाई को ले लें और इसको ऐसे ही रहने दें तो कुछ काम बन जाएगा। पहले यहां तक कॉपी करो, तो हमने ये कहा कि आप ऐसा करो कि जो है सेकेंड कॉलम से x माइनस वाई को कॉमन ले लो। ठीक है, x माइनस वाई को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। ठीक है, और थर्ड कॉलम से x माइनस जेड का कॉमन ले लेते हैं, है ना, x माइनस जेड को कॉमन ले लिया। ठीक, अब देखो क्या बचेगा आपके पास में, वाई जेड, वाई प्लस जेड वन, जेड एक्स, एक्स नहीं वन बचेगा यहां। ठीक, वन जीरो, वाई वन जीरो। ठीक, अब देखो हम यहां से क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि जो हम फर्स्ट रो के फर्स्ट रो नहीं कहना चाहिए, फर्स्ट कॉलम के हम जो है थर्ड रो से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से रिपीट, देखो फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम ये है आपके पास में, थर्ड रो है। ठीक है, तो हम इससे प्रोडक्ट करेंगे, तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड। ठीक है, वन, ठीक है, वन को हम पकड़ेंगे, ये पूरा डिलीट हो जाएगा, ये वाले डिलीट हो जाएगा, बचेगा आपके पास में क्या, जरा सा ध्यान दो, ब्रैकेट ले लेते हैं और यहां डिटरमिनेंट्स लेते हैं, तो जेड वाई वन वाई। ठीक, या अब यहां से माइनस जीरो जीरो, ये पूरा एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, सो करके दिखाऊंगा, ये पूरा डिलीट, ये वाली पूरी डिलीट, यानी कि यहां से मिलेगा वाई जेड वाई वाई प्लस जेड और वन प्लस जीरो प्लस जीरो। अब इसको तो मिटा दो, इसका तो काम कंप्लीट हो गया, सो करना है ना, सो करके दिखाना है हमें कि कहां से क्या आ रहा है, डायरेक्ट करना बहुत अपने कर देता। ठीक, अब देखो इसको पूरा डिलीट कर दो और इस रो को, यानी कि थर्ड कॉलम को और थर्ड रो को डिलीट करोगे तो वाई जेड जेड वाई प्लस जेड प्लस वन। ठीक, अब देखो चाहे आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करोगे और जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल ये तो जीरो पूरा बन जाएगा, इसमें जो भी रिजल्ट आए फिर जीरो से मल्टीप्लाई करो तो ओवरऑल ये जीरो बन जाएगा, मतलब कि ये दोनों अपना कोई काम का नहीं है।
जो भी बात कर रहा है यहां से करना है, स्क्वायर ब्रैकेट छूटा हुआ है लगा लेना, नहीं तो आप लोग कहोगे कि मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक, तो x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड मल्टीप्लाई करो, ठीक है, वन इंटू जेड को वन से मल्टीप्लाई करेंगे जेड आ जाएगा, वन को y से करेंगे माइनस वाई आ जाएगा, ये तो सब जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो x माइनस वाई एक्स माइनस जेड इंटू जेड माइनस वाई, ये हमारा रिजल्ट आ गया। और इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, पहले इसे कॉपी करो, एक क्वेश्चन और करवाते हैं। क्वेश्चन थ्री देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इफ यू इक्वल टू एक्स वाई जेड कॉमा वी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमा डब्ल्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फाइंड द जैकोबियन डेल यू कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू बाई डेल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, हमें जैकोबियन फाइंड आउट करना। तो क्वेश्चन टू की तरह ही हम इनको सोल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया उसे लिखो। तो यू गिवन है एक्स वाई जेड, v हमारे पास गिवन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है, और w हमारे पास दिया है x प्लस y प्लस z, ठीक है, ये दिया। ठीक, हमें फाइंड करना है डेल u v w by डेल x कॉमा y कॉमा z is equal to डेल u by डेल x, डेल u by डेल y, डेल u by डेल z, del v by del x, del v by del y, del v by del z, or del w by del x, del w by del y, del w by del z होता है। ठीक, यहां तक हमने वही किया जो क्वेश्चन टू में किए थे। ठीक, अब क्या करना है, अब अपने को करना है डिफरेंशिएट। तो पहले u को करते हैं, डेल यू बाय डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहां से हमें क्या मिलेगा वाई जेड, डेल यू बाय डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स जेड मिलेगा डिफरेंशिएशन करोगे तो। ठीक है, और जेड के रिस्पेक्ट में करोगे बच्चों तो मिलेगा आपको एक्स वाई। ठीक, सिमिलर डेल वी बाय डेल एक्स, देखो v वाले फंक्शन है तो x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे यानी कि x स्क्वायर का, तो हमें y स्क्वायर z स्क्वायर ये तो जीरो मिल जाएगा, फाइनली क्या मिलेगा 2x। सिमिलर del v by del y क्या मिलेगा 2y, सिमिलर del v by del z मिलेगा 2z। आगे में चले जरा सर, del w by del x और डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई और डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, ये तीनों वन वन मिलेंगे, लेकिन हम करके दिखा। डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू वन, डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू वन, डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू वन, ये मिला। ठीक, आपको प्रॉब्लम कहां आएगा, आपको प्रॉब्लम आएगा इसको कॉमन निकालने में। ठीक है, डिटर्मिनेंट से, ठीक, ये तो आराम से कर लोगे डिफरेंशिएशन, वहां भी प्रॉब्लम नहीं आएगा यार, रो और कॉलम का ऑपरेशन तो क्लास 12th में सीखा होगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो वाई जेड एक्स जेड एक्स वन टू एक्स टू वाई टू जेड वन वन वन। ठीक है, अब क्या करोगे, अभी कॉलम ऑपरेशन मत लगाना, पहले यहां से सेकेंड रो से टू को बाहर ले लो। तो मैंने टू बाहर ले लिया, कुछ इस प्रकार से डिटरमिनेंट बनेगा। ठीक, क्या बनेगा देखिएगा, वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई जेड वन वन वन। ठीक, क्या करना है, तो करना यह है कि इन दोनों को अगर हम जीरो बना दें तो अपना काम आसान हो जाएगा सॉल्व कर। ठीक, तो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं C2 में C1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना, तो C2 में C1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऑपरेशन कर रहे हैं C3 में C1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया।
कहां रफ करें, तो अपना जगह यहां है, रफ करने के लिए काफी। ठीक है, चलिए तो पहले हम इसको उतार देते हैं। C1 में कोई ऑपरेशन नहीं किया हमने, तो वाई जेड एक्स वन। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। तो देखो हम C2 कर रहे हैं, यानी कि एक्स जेड यहां लिख दो, C2 माइनस C1 किसमें कर रहे हैं, C2 में कर रहे हैं, मिटा देंगे, सिखाना है मुझे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किसको कर रहे हैं, वाई जेड, वाई जेड, जेड से कॉमन यहां ले लो यार, तो एक्स माइनस वाई, जेड को कॉमन ले लिया। ठीक है, जेड कॉमन लेंगे, एक्स माइनस वाई मिल जाएगा। ठीक, इसमें क्या आ जाएगा भैया, घटाओगे तो एक्स माइनस जेड आ जाएगा। चेक करके देख लेते हैं, अगर मुझे मिस्टेक लग रहा है, मुझे मिस्टेक लग रहा है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं, वाई माइनस एक्स, यस वाई माइनस एक्स ये मिलेगा, और वन बाय वन ये तो जीरो होगा। ठीक, आगे में चलते हैं। एक्स वाई में से, यानी कि आप इसको थ्री कर दो, इसको थ्री कर दो। ठीक है, एक्स वाई पहले वाई थ्री, सॉरी सी थ्री है, सी वन घटाओगे वाई जेड, तो वाई कॉमन लोगे तो मिलेगा एक्स माइनस जेड। ठीक है, क्या मिला, वाई कॉमन ले लो एक्स माइनस जेड, ये मिल गया, और इसमें मिल जाएगा एक्स माइनस जेड। ठीक है, ये मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉमन कैसे लिया जाएगा, यहां तो डिफरेंट हो गया, इसको हम चेक करेंगे। ठीक, इसको चेक करेंगे, तो हाँ गलत तो लिखे हैं, गलत लिखे हैं यहाँ, एक्स माइनस वाई आएगा बेटे, हो जाता है कभी कभी गलती। ठीक, इक्वल का साइन लगाओ, कॉमन ले लो, देखो सेकंड कॉलम से एक्स माइनस वाई कॉमन, एक्स माइनस वाई कॉमन, और टू है, टू को छोड़ना नहीं है, टू अपने पास में है। ठीक है, और थर्ड कॉलम से एक्स माइनस जेड, इसको कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, देखो जरा सोच, वाई जेड, जेड वाई एक्स वन 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 जीरो जीरो, यहां अब करना क्या है यार, देखो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थर्ड रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये केवल इसी टर्म को पकड़ो ना, बाकी बात ये तो जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी को हम पकड़ के अगर चलते हैं तो देखो क्या मिलने वाला है, टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड स्क्वायर ब्रैकेट वन, पकड़ के किसको चल रहे हैं, केवल एक को चल रहे हैं, तो देखो ये पूरा डिलीट, ये पूरा डिलीट, क्या मिलेगा जेड वाई वन वन। ठीक है, इसी को बाकी बाद में रेस्ट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तो उसको हम लेके नहीं चल रहे, अपने पास ऐसी भी जगह कम है। चलो, तो टू एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड, और इसको प्रोडक्ट करेंगे तो जेड माइनस वाई, और फिर इसको वन से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपना आंसर कंप्लीट। जिस तरीके से आपने जो है ना क्वेश्चन टू किए थे, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन इस थ्री को भी करना था बेटे। इसमें जो है ना और एक चीज ऐड कर लो, इसी क्वेश्चन को क्या मैं अलग करवाऊंगा, और ऑल्सो फाइंड क्या करोगे, डेल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बाई डेल यू कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन ऐड करो, क्या अलग कराऊंगी मैं, तो यहां तक तो ये रिजल्ट आ चुका है, ये किसका रिजल्ट आया, ये इसका रिजल्ट आया। ठीक है, अब प्रॉपर्टी हम यहां सप्लाई करते हैं, हमें पता है कि क्या डेल यू कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू बाई डेल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इंटू इंटू डेल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बाई डेल u कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू वन। ठीक है, हमने ये वैल्यू निकाल के लाए, रखो टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड इंटू जेड माइनस वाई इज इक्वल टू, अच्छा रुको रुको, इंटू 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 डेल एक्स वाई जेड बाई डेल यू कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू इज इक्वल टू वन। ठीक,
ये है हमारे पास। तो फाइनली क्या मिल जाएगा, डेल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बाई डेल यू कॉमा वी कॉमा डब्लू इज इक्वल टू वन बाय मल्टीप्लाई में है डिवाइड में चला जाएगा, तो टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड इंटू जेड माइनस वाई, ये अपना आंसर हुआ। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अलग करने में मजा नहीं आता, ठीक है, सारा प्रोसेस यही करना पड़ता। ठीक, तो मैंने देखा एलपी वाली में कि इस क्वेश्चन को ही जो है हम उसमें अगर ऐड कर दें तो ये क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आने की कहने मतलब है, हमने निकाला है यू वी और डब्ल्यू यानी एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, अगर इसी क्वेश्चन में हम क्या रेक्टिफाई थोड़ा कर दें कि यू और वी के भी रिस्पेक्ट में निकालो, यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में, तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, कॉपी किया।